मेरा नाम यूसुफ गुलजार शेख, मेरा वजन 177 केजी था ऑपरेशन करने के पहला। अब 30 तारीख को मेरा ऑपरेशन हो गया, 50 दिन में 27 केजी वजन कम हो गया है। बगैर दवा कुछ भी नहीं है और खाली डाइट फॉलोअप करता हूं मैं। जैसा सर ने मेरे को बताया उस तरीके से मैं फॉलोअप करता हूं, उसमें मेरे को 1 रुपए की भी दवा नहीं है। यही मैं ऑपरेशन पुणे में जुपिटर हॉस्पिटल में मेरे को जब मैं इंक्वायरी किया था तो 6 लाख रुपए खर्चा बताए थे। मेरे परेशानी की वजह से सर की मुलाकात हुई, सर ने मेरे को समझा के बताया कि उससे बेटर ऑप्शन मतलब ऑपरेशन इधर अपने इधर होता है। पहले मेरे को यकीन नहीं आया कि सिविल में इतना बड़ा सर्जरी होगा, ऐसा मेरे को नहीं लगा था, मगर सर ने सक्सेस करके बताया और 50 दिन में मेरा 27 केजी वजन कम हुआ है। पहले से मेरे काम में या मेरे चलने फिरने में फुर्ती आई और मेरे को अभी तक तो दवा नहीं किसी बात की। मैं CNS हॉस्पिटल के पास रहता हूँ, कोयना नगर। युसुफ नावाचा पेशंट पुण्याला जाऊन आला होता, त्याला बेरेटिक सर्जरी सांगितली होती। तो वजनाने ग्रस्त होता, चालता येत नव्हता, दम लागत होता। आमची यूट्यूब चॅनल त्याने बघितलं, मला आणि माझ्या मुलाला आम्याला तो भेटला। त्याला आम्ही कॉन्फिडन्स दिला की सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सरकारच्या माध्यमातून मोफत चांगलं ऑपरेशन होऊ शकतं। त्याला 4-5 ऑपरेशनचे मी ऑप्शन दिले, त्याने सिव्ह गॅस्ट्रेक्टॉमी ऑप्शन निवडला, तो सेफ झाला आहे आणि त्याचं आता 70 किलो वजन कमी झालेलं आहे आणि माझ्या मते 1.5 वर्षामध्ये तो 70 ते 80 किलो यावा अशी अपेक्षित आहे। जे अतिलट असेल त्यांनी माझं पहिलं असं म्हणणं आहे की डाएट फॉलो करावं, एक्सरसाइज बघावं, या दोन्ही गोष्टी फेल झाल्या तर सर्जरीचा ऑप्शन हा उपयुक्त आहे। ज्याला सस्टेन वेट लॉस म्हणतो, कुठल्याही गोष्ट असं आपण डाएट केलं, महिनाभर करतो, 2 महिने करतो, वजन कमी होतं परत वाढतं, व्यायाम केला 2 महिने केला वजन कमी होतं परत वाढतं, पण एकदा ऑपरेशन केलं तर आणि डाएट जर नीट फॉलो केलं तर सस्टेन म्हणजे परमनंट वेट लॉस हा होऊ शकतो।